को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी ये सारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर शौके तकाजा दे। अरे मुस्तफा के गुलाम बन के जियो, तुम्हारा जनाजा भी रश के अंबर हो जाएगा और कब्र में पहला दीदार मुस्तफा का नसीब हो जाएगा। मुझे नहीं इल्म कि हमने कुल की मजालिस को क्या समझा, मुझे तो इतना पता है आज से कुछ अय्याम पहले मेरे चचा जो मेरे वालिद की तरह थे, जिन्होंने मुझे पाला पोसा जवान किया, इस दुनिया से रुखसत हुए, तो मेरे दिल से ये आवाज आई कि अगर पहले मैं एक नेकी करता था, अब मुझे पांच नेकियां करनी है, एक अपने लिए, चार अपने बाप के लिए। अरे आओ हम इन तमाम से ये हरारत पकड़ लें कि हकीकत वो 6 फुट है जिसमें हर किसी ने चले जाना है। लेकिन याद रखना, अगर उस 6 फुट की तैयारी मुकम्मल हुई, अगर उस 6 फुट की तैयारी मुकम्मल हुई, मेरे वालिद ने जनाजे पर ऐलान किया, हर किसी के लेन देन का मैं जिम्मेदार हूँ। आज 20 दिन गुजर गए, हम लोगों से पूछ रहे हैं है किसी का उसके साथ लेन देन, एक बंदे का लेन देन नहीं निकला। अरे जिसने यूं अपनी जिंदगी को गुजारा और उसकी जिंदगी में किसी के साथ कोई ज्यादती या जुल्म न था, कमी रही क्योंकि इंसान था, आम इंसान था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मखलूक और बंदू और उम्मतियों के साथ उसके मामला दुरुस्त रहे। तो याद रखना, कब्र से ज्यादा हसीन मंजर दुनिया में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। वो कौन सा घर है जिसने माल दिया, जिसने अपना आप दिया और जिसने औलाद दी? मस्जिद नबी है, मस्जिद नबी की दीवार के साथ दीवार जुड़ी है और इस घर के सरफराज का नाम है अली अल मुर्तजा शेर खुदा। इस घर की जीनत और इज्जत का नाम है हजरत सैयदा फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा। ये नबी ज़ादी है, नबी ज़ादी, ये मुस्तफ़ा ज़ादी है, ये मोहम्मद ज़ादी है, ये मेरे हबीब की शहजादी है, मेरे हबीब की आंखों का नूर है, मेरे हबीब के दिल का चैन और करार है, ये अल्लाह की हया है, सारे सैयदों की माँ है। अरे देखो तो सही, इसने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा से सीखा था बेटा नमाज पढ़ना, अम्मा क्या मिलेगा? कहा दो चीजें मिलेगी, दुनिया में अल्लाह की रजा मिलेगी, आखिरत में अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। आए ना ही जिंदगी गुजारे, इन रस्तों पर जिंदगी गुजारे, हम सिर्फ आए और उठ के चले गए। कहा क्या मिलेगा? कहा ये दो इनाम मिलेंगे। उस बेटी ने फिर क्या किया, पूरा दिन अपने घर में चक्की अपने हाथों से चलाती, ऊन और रुई को अपने हाथों से गूंथती, पूरा दिन सारे काम अपने हाथों से करती। जब फजर का वक्त होता, फजर नमाज पढ़ती नहीं, फजर नमाज पढ़ने का हक अदा करती। जोहर की नमाज पढ़ती नहीं, जोहर का नमाज पढ़ने का हक अदा करती। इंतजार उस सलात बाद सलात, जोहर पड़ी है तो असर के लिए तड़प रही है, असर पड़ी है तो मगरिब की तड़प है, मगरिब पड़ी है तो ईशा की तड़प है, ईशा के बाद जिस्म को बुखार की हालत है, बुखार के आलम में, बुखार के आलम में जिस्म नहीं फर कमजोर है। अरे कुछ लम्हे को आराम कर लीजिए, अभी जाके बिस्तर पे अपनी कमर टिकाई है तो कुरान पाक याद आया, वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अरे उठ के बैठ गई सर्दियों की ठंडी रात में, ठंडे पानी से वजू करने के बाद अल्लाह के हजूर अल्लाहू अकबर कह के अपने हाथ को बांध के शुरू कर दिया, अर रहमान अल्लाहुल कुरान खलकल इंसान अल्लाहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان। वक्त गुजरता जा रहा है, जुबान पर तिलावत कुरान का जायका पड़ता जा रहा है। اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال।